ऑल राइट गाइस, अब बहुत टाइम बाद अपाचे पे रॉ मोटो व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक तो बस 15,000 से ज़्यादा वाला, एक 15,300 अराउंड होने वाला है। ये देखो गाड़ियाँ कैसे पार्क करते हैं, मतलब कोई सेंस ही नहीं है किस तरीके से पार्क करनी है, कहीं भी गाड़ियाँ लगा रहे हैं। निकलने का रास्ता है यार, कभी कभार तो ऐसा लगता है ना कि देश छोड़ दो यार। लोगों की यहाँ पे मेंटालिटी इतनी गजब की है ना कि टॉलरेट करना पड़ता है। ऑल राइट गाइस, सो आज हम थोड़ी चीज़ें कवर करेंगे। जो टास्क है हमारा बहुत टाइम से बचा हुआ है। आज मैं बाहर चाय पीने, कैसे हो? आज मैं बाहर चाय पीने निकला तो एक लड़का बोलता है आप मोटो ब्लॉगिंग करते हो ना। मैंने कहा वो क्या होती है? तो बोलता है कि वो डेली का सब बताना, घर में क्या करते हो क्या नहीं करते, ऐसा ऐसा है ऑल दैट। मैंने कहा क्या बात है, ऐसा भी होता है, ज़रा दिखाना मुझे यार। तो उसने मेरे को 2-3 यूट्यूब चैनल दिखाए। मैंने कहा क्या बात है यार, ये सब भी होता है यूट्यूब पे। मैं मज़े मज़े ले रहा था। तो मैं एक काम करता हूँ, साइड में गाड़ी लगाता हूँ और कुछ चीज़ें मुझे आप लोग को बतानी है। ऑल राइट, ये है गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे उन्होंने मेन सेंटर बना दिया है। पहले ये विश्वकर्मा कॉलेज था, अभी भी इसके अंदर ही है विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज। IIT और JEE के एग्ज़ाम देने के लिए मैं यहाँ पे एक बार आया था एंड आई एक्चुअली स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन IIIEE। IIT में मे बी नहीं निकाल पाया था, कट ऑफ से रह गया था, बट IIIEE में आई थिंक आई गॉट अराउंड 4,500 समथिंग ऑल इंडिया रैंक। सो ओल्ड मेमोरीज। हाँ, इसका मुझे आप लोग को ये बताना है, ये जो आपको ब्लिंक हो रहा है ना यहाँ पे, बहुत गंदा है यार। मैंने एक्चुअली कल क्या बोलते हैं पॉलिश कराने के लिए दिया था, धोने के बाद भी क्या पॉलिश किया है, ऐसा लग रहा है मतलब बोरो प्लस लगा के दे दिए उसने। तो ये सेटिंग वाला जो आइकन है ना सर्विस का, इसको कैसे निकाला जाए? कभी कभार ये ऑटोमेटिक नहीं निकलता सर्विस के बाद, आपको निकालना पड़ता है। जनरली TVS वाले मैकेनिक आपको निकाल के देते हैं। तो आपको इसको निकालना कैसे है, मैंने एक वीडियो में आई थिंक बताया था, मैं आपको लिंक कर दूंगा। दैट वीडियो वॉज अबाउट 3 सर्विस टिप्स। इसमें आपको मोड पे जाके, चिपका चिपका हो गया है, इस पर आपको मोड पे चूज़ करके टॉप स्पीड पे जाना है और इन दोनों को दबा के रखना है अराउंड 30-40 seconds। राइट, जब आप ये दबा के रखोगे फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 40 seconds, तो आपका जो सर्विस आइकन यहाँ पे होगा वो चला जाएगा। सो इट्स प्रीटी सिंपल, मैंने उस वीडियो में बताया था, बट कभी कभार जो नए व्यूअर्स आते हैं ना वो देखना भूल जाते हैं वीडियोस, पुराने वीडियोस भूल जाते हैं। तो पहली चीज़ तो मुझे ये बतानी थी यार, एक फ़ोटो ले लेते हैं यार अपडेट करने के लिए इंस्टाग्राम पे, स्टोरी में डाल देते हैं न्यू वीडियो इन द प्रोसेस। ऑलराइट, सो दूसरी चीज़ ये है कि गाड़ी न्यूट्रल में है, दिस गोना स्टार्ट। ऑलराइट, बट गाड़ी मान लो फर्स्ट गियर पे है, ठीक है, अब मुझे स्टार्ट करनी है, स्टार्ट नहीं हो रही। राइट, ओके बंद है, ऑन कर रहा हूँ, स्टार्ट नहीं हो रही। तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि गाड़ी फर्स्ट गियर पे इनिशियली जब मैंने ख़रीदी थी तो स्टार्ट हो गई थी, बट अभी जब गाड़ी फर्स्ट गियर पे है तो सेल्फ नहीं ले रही। सेल्फ क्यों नहीं ले रही हेलमेट डूड, क्यों नहीं ले रही सेल्फ? आप अकेले ही नहीं हो, मैं भी इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हुआ था कि जब इनिशियली जब मैंने बाइक लिया था तो मुझसे सडनली फर्स्ट गियर पे हो गई थी स्टार्ट, और उसके बाद से फर्स्ट गियर पे स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये लाइक इनिशियली जब 1-2 महीना मुझे ख़रीदे हुए हुआ था तब की बात है। तो सेम चीज़ें लोगों को हो रही है, और तब मुझे लगा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, RX 100 तो है नहीं कि फर्स्ट गियर पे गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो मुझे लगा मे बी धोखा होगा मैं डे ड्रीमिंग कर रहा हूँगा, क्योंकि ये गाड़ी न्यूट्रल पे ही स्टार्ट होती है, न्यूट्रल के बिना ये स्टार्ट नहीं होती। बट कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं है,
ये गाड़ी फर्स्ट गियर पे भी स्टार्ट होती है। और ये मैं एक्चुअली मैं वीडियो में बताना भूल गया था बहुत टाइम, लाइक उस टाइम के बाद से मैंने वीडियो में बताया नहीं, बट जब मुझे ये DM आने लग गए और YouTube पे कमेंट्स आने लग गए कि मेरी गाड़ी में कोई इशू तो नहीं है, तो मैं उन लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि गाड़ी में कोई इशू नहीं है। अगर ये गाड़ी फर्स्ट गियर में है, आपको ये जो क्लच है ना ये पूरा लेना है, ठीक है, और अब स्टार्ट होगी गाड़ी, फर्स्ट गियर पे ही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने गियर भी नहीं डाला है, फर्स्ट गियर पे है, ठीक है। तो गाड़ी आपकी फर्स्ट गियर पे स्टार्ट होगी, और अगर स्टार्ट नहीं हो रही इसका मतलब है कि आपने क्लच पूरा नहीं लिया है। इट्स प्रीटी सिंपल। तो मैं आपको फिर से बता दूँ, दिस इज़ फुल क्लच, हाफ क्लच, स्टार्ट नहीं होगी, इतना भी लूँगा तभी भी स्टार्ट नहीं होगी, आई हैव टू टेक दिस फुल क्लच, स्टार्ट होगी। तो जिनको तो ये डाउट हो रहा था ना कि गाड़ी इनिशियली फर्स्ट गियर पे स्टार्ट होती थी और अब नहीं होती, तो मेरे भाइयों क्लच को ज़रा जोर से खींचो और फुल क्लच लेके सेल्फ दो, स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं जनवरी Q&A के बारे में। जो लोग नए हैं और उनको पता नहीं होगा कि क्या एग्जैक्टली है ये, तो मैं बता देता हूँ 2000